कोरोना वायरस पेंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन अभी खत्म हो चुका है, सब कुछ ऑलमोस्ट खुल चुका है दोस्तों। और इन सब के बीच में देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक स्टिमुलेशन 3.0 का अनाउंसमेंट किया है। इस स्टिमुलेशन को आत्मनिर्भर 3.0 कहा जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टिमुलेशन का डिटेल का सच क्या है, ये आप और हम में से किस किस को अफेक्ट करने वाला है, कितना इम्पैक्ट देखा जा सकता है इसका, और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जीरो डिलीवरी पे अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। स्टिमुलेशन 3 दोस्तों, स्टिमुलेशन 3 का टोटल पैकेज कहा जा रहा है 2.65 लाख करोड़ का। नंबर्स पे बाद में आते हैं क्योंकि लाख करोड़ हमारे कितने काम में आने वाले हैं ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पहले देख लेते हैं कि ये पैकेज किस किस के काम आने वाला है। पॉइंट 1, न्यू होम बायर्स टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, 26 इंडस्ट्रियल सेक्टर में नॉन डिफॉल्टर को लोन अगेंस्ट क्रेडिट मिलेगा। थर्ड, 15,000 से कम सैलरी वालों लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब एक एक स्टेप को समझते हैं कि किसको क्या मिलने वाला है। न्यू होम बायर्स, कोरोना पेंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में, जहां बहुत सारे नए यूनिट अनसोल्ड पड़े हैं। इसका रीजन है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि फ्यूचर में इनकम गारंटी नहीं है, इसलिए पैसा सेव करना ही वही बेस्ट ऑप्शन मान रहे हैं। इसी को चेंज करने के लिए सरकार ने इंसेंटिव लाया है स्टिमुलेशन पैकेज में। सरकार ने नए घर खरीदने में टैक्स बेनिफिट के अमाउंट को सर्किल प्राइस और एग्रीमेंट प्राइस डिफरेंशियल का 20% कर दिया है। ये अमाउंट 2018 में 5% था, उसके बाद 2020 के फाइनेंस एक्ट में इसको 10% किया गया और अब इसे 20% कर दिया गया है। अब देखते हैं कि ये कौन सा होम बायर्स के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट पॉइंट, ओनली न्यू होम्स पे एप्लीकेबल है, रीसेल प्रॉपर्टीज पे नहीं। यानी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के दिक्कत की बात हो गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ न्यू होम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, पोसेशन मिलने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। यानी अभी इन्वेस्टमेंट करके भी रेंट वाले घर पे ही रहना पड़ सकता है, इसलिए ये मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए कितना काम आएगा ये डाउटफुल है। सेकंड, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये रूल भी क्यों नहीं किया गया इस पे भी काफी डिबेट हो सकती है। अगर पर्सनल होम बायर्स को टैक्स डिस्काउंट मिल रहा है और इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आती है तो इसको कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में भी लागू करना चाहिए ताकि स्मॉल बिजनेस को एनकरेजमेंट मिले और वो प्रॉपर्टी और बिजनेस के आइडिया में इन्वेस्ट करें। थर्ड पॉइंट, ये स्कीम सिर्फ 2 करोड़ तक के प्राइस वाले होम्स के लिए एप्लीकेबल है। मिडिल क्लास लोगों के लिए 2 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होती है और ये बिल्कुल सही डिसीजन है क्योंकि जिसके पास इस पेंडेमिक के टाइम पे 2 करोड़ से ऊपर का घर खरीदने का पैसा है तो उसको टैक्स की रिबेट की शायद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इससे पहले भी ECLGS को इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और अभी ये 2.0 वर्जन है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर 26 इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर लोन ऑन एक्सिस्टिंग क्रेडिट। ये क्रेडिट मिलने वाला है, 26 सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, सीमेंट, पावर, स्टील, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, रिटेल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्माक्यूटिकल्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, माइनिंग, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एंड एविएशन। इन सेक्टर का एक फाइनल नोटिफिकेशन भी आएगा गवर्नमेंट के तरफ से। इस स्कीम में एडिशनल लोन अप टू 20% मिलेगा और एग्जिस्टिंग क्रेडिट, और ये 5 साल की स्कीम में मिलेगा। 1 साल का लोन मॉरेटोरियम भी मिलेगा और ये स्कीम जून 2021 तक अवेलेबल की जा सकती है। ये बिल्कुल एक अच्छा और बेहतर तरीका है स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, और ये काम भी आ सकता है अच्छे तरीके से क्योंकि एक साल का लोन मॉनिटेरियम एक बहुत बड़ा रिलीफ है पूरे सेक्टर के लिए। लिक्विडिटी क्रंच फिलहाल सबसे बड़ा इशू है और इसलिए ये डिसीजन को इंडस्ट्री एक्सपेक्ट एक बहुत अच्छे डिसीजन के तरीके से देख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पुश, हाल फिलहाल के दिनों में इंडिया में जॉबलेसनेस यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये इशू बन चुका है और कोरोना वायरस की वजह से और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। इसको टैकल करने की कोशिश की गई है स्टिमुलेशन 3.0 पैकेज में। इस स्टिमुलेशन के अंदर सरकार ने कहा है कि वो अक्टूबर 1, 2020 के बाद से एम्प्लॉयमेंट मिलने वाले हर एक प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूट पे करेगा बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर साइड के। इसके साथ कुछ कंडीशन भी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ 15,000 रुपये महीना या उससे कम वेतन पाने के लिए एप्लीकेबल होगा। 15,000 आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं रखता, जहाँ पर आलू
₹60 किलो और प्याज ₹80 किलो बिकता हो, वहां ₹15,000 आदमी खाएगा क्या और खरीदेगा क्या? और 15,000 से ऊपर वाले इनकम के ब्रैकेट में देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 15 से 50 हजार के बीच में। अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा जो मेन टैक्स पेयर है, तो फिर स्टिमुलेशन पैकेज अधूरा है और आत्मनिर्भर बनना भी डिफिकल्ट होगा। और ये भी उन कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए जिनके पास 1,000 से कम लोग काम करते हैं, इससे ज्यादा एम्प्लॉयज वाले कंपनीज के लिए सरकार सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा देगी। ये स्कीम 2 साल तक चलने वाला है। इसके सिवा और भी कुछ सेक्टर्स में ये पैकेज कॉन्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट, एडिशनल 10,000 करोड़ फॉर पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना। सेकेंड, 18,000 करोड़ रुपए एडिशनल आउटले फॉर अर्बन हाउसिंग अंडर द पीएम आवास योजना। थर्ड, 65,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडायरी टू प्रोवाइड द इनपुट टू फार्मर इन द अपकमिंग क्रॉप सीजन। फोर्थ, 3,000 करोड़ रुपए टू बूस्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट थ्रू एक्सिम बैंक। फिफ्थ, 6,000 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन डेप्थ प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इशू। 2025 तक होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 1.1 लाख करोड़ की फंडिंग या लोन मिल सकता है। सिक्स, 900 करोड़ फंड टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडियन कोविड वैक्सीन। तो ये रहा इंडिया का थर्ड स्टिमुलेशन पैकेज। अब देखते हैं कि इससे इंडिया की इकोनॉमिक जो रिकॉर्ड 8.5 के रेट से गिर रही है, उसे फिर से क्या फल मिलता है, क्या वो रुकता है या फिर नए नए रिकॉर्ड तोड़ के हमारे देश की मिडिल क्लास की जनता की जान लेता है। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।